अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। जैसे रूपा जी बात करें अगर तेल तिलन की, तो एडिबल ऑयल में देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल तिलन की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। रूपा जी, कल के कार्रवाई सत्र में हमने देखा था कि जब से रशिया और यूक्रेन के बीच इस्तांबुल में वार्तालाप हो रही थी और ये खबरें निकल के सामने आ रही थी कि जो युद्ध है वो रुक सकता है, उसकी वजह से हमने मार्केट में नरमी आते हुए देखी है और अभी भी आगे बातचीत अभी और जारी रह सकती है, तो ऐसे में हमने पूरे तेल तिलन पैक में नरमी आते हुए देखी। आपको क्या लगता है, क्या फंडामेंटल सपोर्टिव होने के बावजूद जो एडिबल ऑयल पैक है और सोयाबीन है, तो क्या वो अभी ऐसी नरमी के साथ रह सकते हैं और नरमी के बाद क्या इनमें तेजी भी दर्ज की जा सकती है? देखिए, ट्रेंड पॉजिटिव है और अभी थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में करेक्शन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाजारों में फंडामेंटली काफी सपोर्टिव है मार्केट और आगे चलकर जैसे जैसे डिमांड पिकअप होगा और ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि एडिबल ऑयल पैक में अगर करेक्शन आती भी है तो उस करेक्शन में भी बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, आगे चल के तेलों में तेजी बन सकती है। जी,